ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली हम रमज़ान में इफ्तारी के बाद आते हैं। तफरी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं था, बस यही बना है, इसलिए हम पहले दिन से आ रहे हैं। स्टैंडर्ड जैसे फुटसॉल ग्राउंड होता है वैसा ही बनाया गया है, साइड में दूसरा भी ग्राउंड है, बास्केटबॉल क्रिकेट सब खेल सकते हैं। हर एरिया में बनाया जाए ताकि बच्चों की गेम बढ़े। टैलेंट बाहर है पाकिस्तान का, स्पेशली कराची में बहुत टैलेंट है, तो उम्मीद यही है कि बहुत इंटरनेशनल भी जाएगा पाकिस्तान। भाई देखें, जिस तरीके से कराची में मतलब स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, जिस तरीके से मतलब आवाम इतनी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो प्लेसेस हैं वो है ही नहीं, बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। जिस जगह हैं वहाँ वो अपनी सोसाइटीज़ में बनाए गए हैं, जो लोकल एरियाज़ हैं वहाँ तो कोई भी खेलने के लिए जगह ही नहीं है। हैं तो एक एक जगह में इतने ज़्यादा लोग घुसे हुए हैं। अब जिस तरीके से इन्होंने ये एक इंडिया को देख के वहाँ के लड़के ने जिस तरीके से कन्वे किया था कि यार ब्रिजेस के नीचे बनाना, फिर जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ को मतलब इस जो एक सिस्टम था इसको यहाँ लाए, जिस तरीके से ब्रिजेस यहाँ नीचे क्या था, यहाँ कचरा था सब कुछ, यहाँ कबाड़ खाना था, चर्चें बिक्री, अजीब अजीब मंशियात वगैरह चल रही थी, अभी जगह सारी साफ करके यहाँ कोर्ट बना दिया इतना अच्छा फुटसल खेलने के लिए। इस तरीके की मतलब अगर जो चीज़ें हो रही हम तो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, लड़के आके खेल रहे हैं सारे यहाँ पर, तो मुझे 2 मंथ हो गए यहाँ खेलते हुए, माशाल्लाह इतनी बेहतरीन जगह है। और भी जगह मतलब बास जगह यहाँ ये बनाए जा रहे हैं, ये जो ये चल रहा है सिस्टम बहुत अच्छा चला है कि हर ब्रिज के नीचे बनाना, मतलब मेरे मतलब मुताबिक बहुत अच्छी चीज़ है ये। देखिए अगर इंतज़ामिया सही रहती है, जो यहाँ इनकी टर्म्स कंडीशन सही रहती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जगह ख़राब होगी दोबारा। अगर इसकी मतलब मेंटेनेंस देखी जाए, अगर यहाँ इंतज़ामिया ऊपर सर पे रहे तो बिल्कुल बेहतरीन जगह रहेगी और ये लड़के खेलते रहेंगे। मतलब जिस वक्त मैं आया था यहाँ 4-5 लड़के खेलते थे जब नया नया बना था, अब माशाल्लाह आवाम देख कितनी ज़्यादा है, बाहर टीमें वेट कर रही होती टीम्स के, यार अब मेरी बारी हर तरह से बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जहाँ से फुटबॉल जो है बचपन से खेल लें आपस में दोस्तों के साथ, लेकिन जो ये फुटबॉल का जो बनाया है ना सिंध हुकूमत ने, ये एक अच्छा प्रोग्राम है जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जितनी भी चीज़ें सब अच्छी होगी, जिससे टैलेंट सबसे पहले तो हमारा टैलेंट ग्रोथ करेगा, जिससे क्या नाम है पाकिस्तान को आइंदा काफ़ी सारी चीज़ों में परफॉर्मेंस और क्या नाम है गुड विल मिलेगी, जिस वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान टीम आज तक वर्ल्ड कप फुटबॉल के आज तक किसी भी क्या नाम फुटबॉल के उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई, कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है और ज़्यादातर रिसोर्सेज जो हैं हमारे अपर क्लास के, यानी लोअर क्लास और मिडिल क्लास के पास रिसोर्सेज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम थैंक यू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि उन्होंने ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी, जिस वजह से आज हम सारे देखें यहाँ पे खेल पा रहे हैं और अपना टैलेंट क्या नाम है शो कर पा रहे हैं, तो हम थैंक यू करना चाहेंगे। मैं इधर 3-4 महीने हो गए खेलते हुए, रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, मैचेस भी खेलते हैं, मज़ा बहुत आता है, एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हमें मिल चुका है, एक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है इधर का। और आपको और कोई ज़रूरत नहीं, मेंटेनेंस फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी रहती है यहाँ की, हर 4 महीने में हम देख रहे हैं हर हफ्ते बाद ही मेंटेनेंस होती रहती है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अब मौका मिले कराची वालों को, कराची के लड़कों, तो इंशाल्लाह ताला बाहर के मैसी को देखने की ज़रूरत अब हमें नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। इस दफ़ा इस जो हमारी हुकूमत कर रही है, इंशाल्लाह ताला मैसी कराची से ही निकलेगा, एक ना एक मैसी एक रोनाल्डो कराची से ही निकलेगा, और हमारी हुकूमत को चाहिए और फैसिलिटीज़ और हमें दें ताकि और हम अपना टैलेंट जो है हमारे जिसकी कदर कर सकें और आगे और टीम बना सकें, एक अच्छी लेवल पे इंटरनेशनल फुटबॉल हो सके। पहले तो यहाँ पे था जैसे कोई 6-7-8 महीने पहले यहाँ पे ब्रिज के अंदर जैसे नशे वशे बैठे होते हैं, स्मगलर बैठे होते हैं, नशा बिखरा होता है, ये सब काम था। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी वालों ने सोचा कि क्यों ना हम इधर ब्रिज के नीचे लोगों को खेलने का मौका दें, बच्चे हमारे वैसे भी ग्राउंड्स तो हैं लेकिन ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, ग्राउंड में मिट्टी वगैरह है, इधर बॉल घूमने का भी वो नहीं होता, कोई खतरा नहीं होता। और दूसरी बात ये इधर खेलने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि फ्रेश है ना, स्लिप भी होता है और रुकता भी है बॉल, मज़ा भी आता है खेलने में, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस जो ये फुटसल कोर्ट इन्होंने बनाया है इसका बेहतरीन ख्याल रखा जा रहा है, ये हमें खुद भी पता है, हफ्ते में एक दिन इसकी मेंटेनेंस ज़रूर करते हैं, आप देख सकते हैं कलर वगैरह सारी चीज़ें परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है सब कुछ। तो और ऐसे ब्रिजेस ढूंढें और ऐसी फैसिलिटीज़ दें तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सकता है हम लोगों को जैसे अभी मिल रहा है।